नमस्कार दोस्तों, आज के सामान्य ज्ञान का विषय है पर्यावरणविद और गांधीवादी नेता सुंदरलाल बहुगुणा जी के जीवन पर आधारित प्रश्न। हाल ही में 21 मई को कोरोना के कारण सुंदरलाल बहुगुणा जी की मृत्यु हो गई। मैंने उनके जीवन से संबंधित 30 प्रश्नों का एक संग्रह तैयार किया है। मेरा यह वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रश्न पहला है, पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी किस राज्य के थे एवं उनकी लोकप्रियता का क्या कारण है? तो इसका उत्तर है, पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड राज्य के रहने वाले थे। उनके द्वारा किया गया चिपको आंदोलन कार्य सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ। वे अहिंसा के पक्षधर थे और गांधीवादी नेता थे। प्रश्न दूसरा है, सुंदरलाल बहुगुणा जी को पद्मश्री और पद्म विभूषण सम्मान से कब सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर है, सुंदरलाल बहुगुणा जी को सन 1981 में केंद्र सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान मिला था, मगर इस सम्मान को उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था एवं उन्हें सन 2009 में केंद्र सरकार की ओर से पद्म विभूषण सम्मान मिला, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। प्रश्न तीसरा है, सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर है, 9 जनवरी सन 1927 को सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म उत्तराखंड के टिहरी जिले के मरोड़ा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अंबादत्त बहुगुणा और माता का नाम पूर्णा देवी था। प्रश्न चौथा है, सुंदरलाल बहुगुणा जी का कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो इसका उत्तर है, 94 वर्ष की आयु में कोविड-19 के कारण सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हो गया। उनकी मृत्यु 21 मई सन 2021 को ऋषिकेश एम्स में इलाज के दौरान हो गई। प्रश्न पांचवा है, चिपको वुमेन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इसका उत्तर है, कौरा देवी जी को चिपको वुमेन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न छठवा है, सुंदरलाल बहुगुणा किस नाम से लोकप्रिय थे? तो इसका उत्तर है, सुंदरलाल बहुगुणा जी पर्यावरण गांधी, हिमालय के रक्षक और वृक्ष मित्र के नाम से लोकप्रिय थे। प्रश्न सातवा है, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने वृक्षों को बचाने के लिए कौन सा नारा दिया था? तो इसका उत्तर है, जंगल के क्या उपकार, मिट्टी पानी और बयार। मिट्टी पानी और बयार जीवन के यही है आधार। प्रश्न आठवां है, सुंदरलाल बहुगुणा जी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर है, उत्तराखंड के पूर्णानंद घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुंदरलाल बहुगुणा जी का अंतिम संस्कार किया गया। प्रश्न नौवां है, भारत में चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इस आंदोलन की शुरुआत कब की और इस आंदोलन में उन्हें किसका प्रमुख सहयोग मिला? तो इसका उत्तर है, 26 मार्च सन 1974 को सुंदरलाल बहुगुणा जी ने चिपको आंदोलन की शुरुआत हिमालय की पर्वत श्रृंखला के गढ़वाल मंडल में स्थित रेणी गांव से की थी। इस आंदोलन में उन्हें चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी का प्रमुख सहयोग मिला था। प्रश्न दसवां है, सुंदरलाल बहुगुणा जी के निधन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने क्या कहा? तो इसका उत्तर है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि यह सिर्फ सुंदरलाल बहुगुणा जी की मृत्यु होने से उत्तराखंड राज्य की क्षति नहीं है, बल्कि उनकी कमी हमेशा रहेगी। प्रश्न ग्यारहवा है, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर है, इस आंदोलन के तहत सुंदरलाल बहुगुणा के समर्थक पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों को अपने गले लगा लेते थे, ताकि पेड़ों को अवैध रूप से काटे जाने से रोका जा सके। प्रश्न बारहवा है, सुंदरलाल बहुगुणा जी की पत्नी और बेटे का क्या नाम है? तो उसका उत्तर है, सुंदरलाल बहुगुणा जी की पत्नी का नाम विमला देवी नौटियाल और बेटे का नाम राजीव नयन बहुगुणा है। प्रश्न तेरवा है,
सुंदरलाल बहुगुणा जी ने अपनी स्नातक की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो इसका उत्तर है, सुंदरलाल बहुगुणा जी अपनी प्राथमिक शिक्षा के बाद लाहौर चले गए और वहीं से उन्होंने स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। प्रश्न 14 है, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने टिहरी में हॉस्टल की स्थापना कब की एवं उन्होंने और कौन कौन से सामाजिक कार्य किए? तो उसका उत्तर है, सन 1949 में सुंदरलाल बहुगुणा जी मीराबेन पठक्कर बापा के संपर्क में आए। दलित वर्ग के विद्यार्थियों के उत्थान के लिए टिहरी में उन्होंने ठक्कर बापा हॉस्टल की स्थापना की। दलितों को मंदिर प्रवेश दिलाने के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ा। वे विनोबा भावे के आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। प्रश्न 15 है, सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय की पैदल यात्रा कब की? तो इसका उत्तर है, वर्ष 1981 से वर्ष 1983 के बीच सुंदरलाल बहुगुणा ने पर्यावरण को बचाने का संदेश लेकर हिमालय क्षेत्र के करीब 5000 किलोमीटर की पदयात्रा की। यह यात्रा वर्ष 1983 में विश्व स्तर पर सुर्खियों में रही। प्रश्न 16 है, सुंदरलाल बहुगुणा ने अपनी पत्नी विमला नौटियाल के सहयोग से कौन से मंडल की स्थापना की? तो इसका उत्तर है, सुंदरलाल बहुगुणा ने अपनी पत्नी विमला नौटियाल के सहयोग से सिलियारा अर्थात गढ़वाल मंडल में पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की। प्रश्न 17 है, सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन के तहत कितने दिन का अनशन किया था? तो इसका उत्तर है, सुंदरलाल बहुगुणा ने उत्तराखंड में 26 मार्च सन 1974 को चिपको आंदोलन का प्रारंभ किया था एवं उन्होंने इस आंदोलन के तहत 16 दिन का अनशन किया था। प्रश्न 18 है, अमेरिका के किस संस्थान ने सन 1980 में सुंदरलाल बहुगुणा को सम्मानित किया था? तो इसका उत्तर है, अमेरिका के फ्रेंड ऑफ नेचर संस्थान ने सन 1980 में सुंदरलाल बहुगुणा को पर्यावरणविद होने के कारण और पेड़ लगाने के कारण सम्मानित किया था। प्रश्न 19 है, किस वर्ष एवं किस देश के द्वारा सुंदरलाल बहुगुणा जी को राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया था? तो इसका उत्तर है, वर्ष 1987 में चिपको आंदोलन में पर्यावरण संरक्षण और भारत के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के हित में आवाज उठाने के लिए स्वीडन देश के राइट लाइवलीहुड संस्थान के द्वारा सुंदरलाल बहुगुणा जी को राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया था। प्रश्न 20 है, सुंदरलाल बहुगुणा जी को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जमुना लाल बजाज पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर है, जमुना लाल बजाज पुरस्कार सुंदरलाल बहुगुणा जी को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वर्ष 1986 में प्राप्त हुआ। प्रश्न 21 है, आईआईटी रुड़की की तरफ से सुंदरलाल बहुगुणा जी को डॉक्टर ऑफ सोशल साइंसेज पर डिग्री कब प्राप्त हुई थी? तो इसका उत्तर है, वर्ष 1989 में। प्रश्न 22 है, टिहरी बांध विरोध समिति का निर्माण किस सन में किया गया? तो इसका उत्तर है, सन 1978 में टिहरी बांध विरोध समिति का निर्माण विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में किया गया। इसके दो अन्य प्रमुख सदस्य सुंदरलाल बहुगुणा जी एवं वीरेंद्र सकलानी हुए। प्रश्न 23 है, वर्ष 1984 में सुंदरलाल बहुगुणा जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर है, वर्ष 1984 में सिंघवी ट्रस्ट के द्वारा उन्हें राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया गया। प्रश्न 24 है, किस वर्ष अंतरराष्ट्रीय मान्यता के रूप में स्टॉकहोम का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार सुंदरलाल बहुगुणा जी को मिला? इसका उत्तर है, वर्ष 1981 में। प्रश्न 25 है, सुंदरलाल बहुगुणा जी को वर्ष 1987 में और कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए? तो उसका उत्तर है, सुंदरलाल बहुगुणा जी को राइट लाइवलीहुड सम्मान के अलावा शेरे कश्मीर सम्मान और सरस्वती सम्मान
वर्ष 1987 में मिले। प्रश्न 26वां है, टिहरी बांध निर्माण के विरोध में कितने दिन तक और कहां पर सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में अनशन किया गया? तो इसका उत्तर है 74 दिन तक गांधी जी की समाधि स्थल राजघाट नई दिल्ली में सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में अनशन किया गया। प्रश्न 27वां है, वर्ष 1985 में किस संस्थान द्वारा सुंदरलाल बहुगुणा जी को वृक्ष मानव सम्मान दिया गया? तो इसका उत्तर है वर्ष 1985 में मुंबई की वृक्ष मित्र संस्थान द्वारा सुंदरलाल बहुगुणा जी को वृक्ष मानव सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रश्न 28वां है, वर्ष 1998 और वर्ष 1999 में सुंदरलाल बहुगुणा जी को कौन कौन से सम्मान मिले? तो इसका उत्तर है वर्ष 1998 में सुंदरलाल बहुगुणा जी को पहल सम्मान से सम्मानित किया गया और वर्ष 1999 में उन्हें गांधी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रश्न 29वां है, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने हिंदी भाषा में कौन कौन सी किताबें लिखी हैं? तो इसका उत्तर है सुंदरलाल बहुगुणा जी ने हिंदी भाषा में दो किताबें लिखी हैं। पहली किताब है भूप्रयोग में बुनियादी परिवर्तन की ओर एवं दूसरी किताब है धरती की पुकार। प्रश्न 30वां है, सुंदरलाल बहुगुणा जी के जीवन को किसने प्रेरणा दी? तो इसका उत्तर है अमर शहीद श्रीदेव सुमन के संपर्क में आने के बाद सुंदरलाल बहुगुणा जी के जीवन की दिशा को एक प्रेरणा प्राप्त हुई। श्रीदेव सुमन से प्रेरित होकर बहुगुणा जी 13 वर्ष की उम्र में ही आजादी के आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए थे।